الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تعالى في مقام آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. एक इंसान की जिंदगी में तीन दिन बहुत अहमियत के हामिल होते हैं. एक वो दिन जिस दिन वो पैदा हुआ, वजह क्या कि उस दिन वो अपना नसीब लेके इस दुनिया के अंदर आया. एक वो दिन जिसमें वो फौत होता है, क्योंकि ये दिन इसकी अखरवी जिंदगी के लिए असास और बुनियाद है. और एक वो दिन जिसमें इसने दोबारा जिंदा होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़ा होना है, उस दिन इसकी दायमी जिंदगी का फैसला होना है. इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, वस्सलामु अलैया यौम वुलितु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या. ए अल्लाह, मेरे लिए वो दिन सलामती का बना जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन फौत होना है और जिस दिन दोबारा जिंदा होकर अल्लाह के सामने खड़ा होना है. तो तीन दिनों के बारे में उन्होंने दुआ मांगी. इंसानी जिंदगी हवा में रखे हुए चिराग की मानिंद है. जवान आदमी अगर चिराग सहर है तो बूढ़ा चिराग शाम है. जिस तरह हवा में रखा हुआ चिराग एक झोंके का मोहताज होता है, इसी तरह इंसानी जिंदगी भी एक पल की मोहताज है. जिंदगी क्या है तरकता हुआ नन्ना सा दिया, एक ही झोंका जिसे आग बुझा देता है. या सरे मजगा गम का थरकता हुआ आंसू, पलक झपकना जिसे मिट्टी में मिला देता है. जिस तरह आंसू पलक झपकते ही मिट्टी में मिल जाते हैं, ऐसे ही इंसान एक लम्हे में इस जहान से अगले जहान की तरफ रुखसत हो जाता है. जो भी इस दुनिया में आया, उसको बिल आखिर इस दुनिया से जाना है. चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द. ऐ पैगंबर अलैहिस्सलाम, आपसे पहले भी हमेशा जिंदा रहना हमने किसी फर्द या बशर के लिए तय नहीं किया. चंद दिनों की मोहलत है जो हमें अता की गई, इसमें हमें आखिरत की तैयारी करनी है. दुनिया के मुख्तसर से जिंदगी आखिरत की तैयारी के लिए दी गई. हजूर अलैहिस्सलाम से सहाबा कराम ने सवाल किया, मन अकियसुन्नास, लोगों में सबसे ज्यादा समझदार कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अक्सरुहुम जिक्र लिल मौत
मौत को कसरत से याद करने वाले समझदार हैं। फिर मरवाया वह अक्सर हम इस्तेदाद लिल मौत, मौत के लिए कसरत से तैयारी करने वाले समझदार लोग हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम की निगाह मुबारक में समझदारी का मयार दुनिया के काम कारोबार में महारत नहीं था, बल्कि मौत और मा बादल मौत की तैयारी में था। और अगर हम आज के इंसान को देखें तो दुनिया की चमक दमक रौनक वौनक में ऐसा मुस्तगरिक हो चुका कि वो मराहिल जिनका ना सिर्फ हमें यकीन है बल्कि हमारा मुशाहिदा भी है, हम उन मराहिल से गाफिल हो जाते हैं। रोजाना जनाजे उठते हैं, आबाद होने वाले कब्रिस्तान, मसाजिद से बुलंद होने वाले ऐलानात हमारे लिए खामोश पैगाम हैं कि दुनिया दारुल बका नहीं है, बल्कि ये दुनिया दारुल फिना है। एक इंसान की गफलत का नक्शा इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत प्यारी मिसाल से खींचा। वो फरमाते हैं एक आदमी कहीं जा रहा था, एक शेर उसके पीछे भागा। अब उसके करीब कोई दरख्त भी नहीं था जिस पे वो चढ़ जाता अपनी जान बचाता। चुनाचे उसे एक कुआं नजर आया, उसने सोचा मैं कुएं में छलांग लगा देता हूं, जब शेर चला जाएगा मैं कुएं से वापस निकल आऊंगा। जब उसने नीचे छलांग लगाने के लिए देखा तो उसको कुएं में पानी के ऊपर एक काला नाग तैरता हुआ नजर आया। अब पीछे शेर और नीचे कुएं में काला नाग, वो और परेशान हो गया, सोचने लगा क्या करूं। इतने में उसे कुएं की दीवार पे कुछ घास उगी हुई नजर आई। उसने सोचा चलो इस घास को पकड़ के लटक जाता हूं, ना नीचे जाऊंगा कि मुझे नाग डस ले, ना ऊपर आऊंगा कि शेर खा ले, और दरमियान में लटक जाऊंगा, जब शेर चला जाएगा मैं वापस निकल आऊंगा। चुनाचे उसने उन घास को पकड़ा और वहां लटक गया। थोड़ी देर के बाद उसने क्या देखा, एक काला और एक सफेद चूहा आए और उन्होंने इस घास को काटना शुरू कर दिया जिस घास से वो लटका हुआ था। अब ये और परेशान हुआ कि अब ये परेशानी है कि ये अगर काट लिया इन्होंने घास को तो मैं तो नीचे गिर जाऊंगा, तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा। इसी परेशानी के आलम में उसने राइट लेफ्ट देखा तो उसने क्या देखा कि एक जगह मक्खियों के शहद का छत्ता है, मक्खियां मौजूद नहीं है लेकिन उसमें शहद मौजूद है। उसने कहा जरा शहद तो चखूं कैसा है। चुनाचे उसने एक हाथ से घास को पकड़ा और दूसरे हाथ की उंगली जब उसने शहद पर लगाई और उसको चखा तो बड़ा मीठा लगा। अब बड़ा मजा आया, वो इतना मजे का लगा कि इसने हर चीज को छोड़ा और शहद को चाटने में मशगूल हो गया। ना उसे शेर याद रहा, ना नाग याद रहा, ना उसे चूहे याद रहे। सोचें कि उसका अंजाम क्या हुआ होगा। ये मिसाल देने के बाद इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए दोस्त तेरी मिसाल उसी इंसान की सी है, मलकुल मौत शेर की मानिंद तेरे पीछे लगा हुआ है, कबर का अजाब इस सांप की मानिंद तेरे इंतजार में है, काला और सफेद चूहा ये तेरी जिंदगी के दिन और रात हैं, घास तेरी जिंदगी है जिसे चूहे काट रहे हैं, और ये शहद का छत्ता दुनिया की लज्जतें हैं जिससे तू लुत्फ अंदोज होने में लगा हुआ है, तुझे कुछ याद नहीं कि तेरा अंजाम क्या होगा। बात तो वाकई ऐसी है, इंसान दुनिया की लज्जतों में फंस के अपने रब को नाराज कर लेता है। कोई खाने पीने की लज्जतों में फंसा हुआ है, कोई अच्छे ओहदे की लज्जत में फंसा हुआ है, कोई शोहरत की लज्जत में फंसा हुआ है। यही लज्जतें इंसान को आखिरत से गाफिल कर देती हैं। इसलिए जहां तर्क दुनिया का लफ्ज आएगा इससे मुराद तर्क लज्जात होगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हर वक्त आखिरत की फिक्र से फिक्रमंद रहते थे। जिस दिन हजरत की वफात हुई उस दिन लोगों ने गैबी आवाज सुनी, आखिरत का हुस्न व मलाल आज दुनिया से रुखसत हो गया।
एक बार किसी ने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, आपका क्या हाल है? आपने फरमाया, मैं अपना हाल आपको एक मिसाल से समझाता हूं। एक कश्ती के अंदर बहुत सारे मुसाफिर सफर कर रहे हों और दरिया के दरमियान में जब कश्ती पहुंचे तो वहां पे तूफान आ जाए, गिरदाब आ जाए, कश्ती उसमें फंस जाए। पानी की बेरहम लहरें कश्ती को घुमाते घुमाते तख्तों में तब्दील कर दें, यानी कश्ती टूट जाए और लकड़ी के तख्ते बन जाए। कश्ती के सारे मुसाफिर दरिया में डूब जाए, सिर्फ एक मुसाफिर तख्ते पर जिंदा बचा हो। रात का वक्त हो, आसमान से बारिश बरसना शुरू हो जाए, तंदो तेज हवा के चक्कर चलना शुरू हो जाए, वो तख्ता इस गिरदाब में घूम रहा हो, इस तख्ते पर बैठे हुए शख्स का जो हाल होगा वही हाल मेरा हर वक्त रहता है। यानी जैसे ये बंदा अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा है, ऐसे ही मैं हर वक्त अपनी मौत अपनी आंखों के सामने देखता रहता हूं। ये दुनिया इंसान के लिए मुसाफिर खाना है। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नक गरीब औ आबिरु सबील, तुम दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारो जैसे कोई परदेसी होता है। अब आप अगर सोचें, परदेश में इंसान को जितनी सहूलियात मुयस्सर क्यों ना हो, जितनी आसाइशें हो, जितना आराम हो, फिर भी उसको अपने घर की फिक्र होती है। उसकी चाहत होती है कि मैं जल्द से जल्द अपना काम मुकम्मल करूं और वापस अपने वतन अपने घर लौटूं। इसी तरह मोमिन का असल वतन जन्नत है, दुनिया उसके लिए वतन अकामत की मानिंद है। हमें थोड़े दिनों के लिए यहां भेजा गया है, बिल आखिर जिंदगी गुजार कर हमें इस दुनिया से जाना है। अब दुनिया में रहते हुए हमें चाहिए कि हम आखिरत की तैयारी करें। जिस तरह मुसाफिर अपने सफर के दौरान थोड़ी देर के लिए आराम करता है, उसके पेश नजर ये बात होती है, मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। वो बहुत कम वक्त रास्ते में गुजारता है। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम आखिरत की जिंदगी की तैयारी करें। दुनिया हमारे लिए इम्तिहान गाह है। ये दुनिया आराम गाह नहीं, ये सैर गाह नहीं, ये तमाशा गाह नहीं, ये कयाम गाह नहीं, बल्कि ये दुनिया इम्तिहान गाह है। अफसोस कि हमने इसको चरागाह बना लिया। हम समझते हैं खा पी कर जिंदगी गुजर जाएगी, हरगिज नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अहसिबन नास, क्या इंसान ये गुमान करते हैं, अई युतरकु, उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा, अई यकूलू आमन्ना वहुम ला यफ्तनून, वो ये कहते नहीं कि हम ईमान ले आए और उनको आजमाया नहीं जाएगा। कुरान अजीमुशान, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वलकद फतन्ना लजीना मिन कब्लिहिम, हालांकि हमने इन सब की आजमाइश की जो इनसे पहले गुजर चुके। فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, لہذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہیں گے کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا, اور یہ بھی معلوم کر کے رہیں گے کون لوگ جھوٹے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی کے اندر نیکی والی زندگی گزارے, اپنے پروردگار کو راضی کر لیں۔ जिन्होंने अल्लाह को राजी किया फिर उन्हें मौत से डर नहीं लगता था, उन्होंने अपनी आखिरत की तैयारी की हुई थी। आपने देखा होगा इम्तिहान से वही तालिब इल्म घबराता है जिसकी तैयारी पूरी ना हो, और जिसकी तैयारी मुकम्मल हो वो तालिब इल्म वो स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए तैयार रहता है। इसी तरह एक अल्लाह वाले की वफात का वक्त करीब था, उनकी हमशीरा बैठी रो रही थी। उन्होंने पूछा, लम तबकीन, आप क्यों रो रही हैं? वो कहने लगी, अना आपकी आलई का, मैं आपकी वजह से रो रही हूं। अल्लाह वाले ने फरमाया, इन कुंती बाकियतन फब की आला नफसिक, अगर आपने रोना ही है
तो अपने ऊपर रो लो, मेरे ऊपर रोने की जरूरत नहीं। मैंने इस दिन के लिए 60 साल मुसलसल रोता रहा हूँ। फिर फरमाया, मुझे रोने की क्या जरूरत है, मैंने अपने घर के इस कोने में 6,000 मरतबा कुरान मजीद मुकम्मल खत्म किया है। 6,000 दफा अपनी जिंदगी में वो कुरान मजीद को मुकम्मल पढ़ा करते थे। अब अगर हम अपनी जिंदगियों को देखें, क्या हमने कुरान मजीद मुकम्मल किए? कभी मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ा? एक दफा पढ़ लिया, दो दफा पढ़ लिया, 3 दफा पढ़ लिया, 100 दफा पढ़ लिया? 6,000 मरतबा उन्होंने अपना कुरान मजीद मुकम्मल किया था। हदीस मुबारक में आया, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। इसका एक मतलब तो यह है कि दुनिया में मुसलमानों के लिए कुछ हुदूद व क्यूद हैं, कुछ पाबंदियां हैं, जबकि काफिर के लिए कोई पाबंदी नहीं है, अपनी मन मानी की जिंदगी गुजारता है। मगर शारहीन ने इसका एक और मतलब भी लिखा, वो फरमाते हैं, इस दुनिया में कितनी ही लुत्फ और मजे की जिंदगी क्यों ना मिल जाए, जन्नत के मुकाबले में वो जिंदगी कैद की मानिंद है, और काफिर को इस दुनिया में कितनी ही तकलीफ क्यों ना मिल जाए, फिर भी जहन्नम के मुकाबले में ये जन्नत की मानिंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनीन के लिए जन्नत में क्या कुछ तैयार कर रखा है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये बात जहन में बिठा लीजिए, दुनिया मिट्टी की बनी हुई है और फानी है, जबकि जन्नत सोने और चांदी की बनी हुई है और हमेशा रहने वाली है। ये असली बात याद रखिए, जिसकी जिंदगी महमूद उसकी मौत भी महमूद, जिसकी जिंदगी मजमूम उसकी मौत भी मजमूम। अगर हम नेकों वाली जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकों वाली मौत अता करेंगे, अगर बुरों वाली जिंदगी गुजारेंगे तो बुरों के साथ हशर होगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब अंदाज से बात समझाई। फरमाते हैं, एक बादशाह का बाग था, उसके कई हिस्से थे। उसने एक आदमी को बुलाया और उसके हाथ में एक टोकरी थमा दी, कहा मेरे बाग में दाखिल हो जाओ और बेहतरीन फलों से टोकरी भर के लेके आनी है, मगर शर्त यह है कि जब एक हिस्से से गुजर जाओ तो दोबारा वापस नहीं लौट सकते। उसने कहा, जी बहुत अच्छा है, तो बहुत आसान काम है। चुनाचे बाग के एक दर्जे में वो दाखिल हुआ, क्या देखता है वहां के दरख्तों पर अच्छे फल नहीं है। उसने सोचा अगले दर्जे से तोड़ लूंगा, चुनाचे वो अगले दर्जे की तरफ गया। वहां उसको दरख्तों में फल तो नजर आए लेकिन मुनासिब थे। सोचने लगा अगले दर्जे में जाकर देखता हूं। वहां जाकर देखा तो पता चला फल बहुत अच्छे हैं। सोचा नहीं और आगे जाता हूं, वहां अच्छे फल होंगे। चुनाचे अगले दर्जे में गया तो वहां बेहतरीन किस्म के फल नजर आए। दिल में कहा यहीं से टोकरी भर लूं। फिर सोचने लगा जैसे जैसे आगे बढ़ता हूं फल बेहतर होते जाते हैं, अभी आखिरी दर्जा बाकी है, वहां से फल तोड़ लूंगा, वहां सबसे बेहतरीन होंगे। जब आखिरी दर्जे में कदम रखा, क्या देखा कि वहां के दरख्तों पर फल ही नहीं लगे हुए। अब वो शर्मिंदगी से रोने लगा, अफसोस करने लगा, ऐ काश मैंने पहले दर्जे से फल तोड़ लिए होते, आज खाली टोकरी तो ना होती, अब मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बादशाह से मुराद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। जो इंसान बाग में जा रहा है वो तेरी मिसाल है, टोकरी से मुराद तेरा नामे आमाल है, बाग से मुराद तेरी जिंदगी है, इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, तेरी जिंदगी के हर दिन की मानिंद,
अब तुझे हर दिन में नेकियों के फल तोड़ने का हुक्म है, लेकिन तू रोज सोचता है मैं कल नेक बन जाऊंगा, मैं अगले दिन नेक बन जाऊंगा, मैं अगले दिन नेक बन जाऊंगा, अगले दिन और नेकी कर लूंगा। एक दिन ऐसा आएगा तेरी जिंदगी का अगला दिन नहीं होगा, तुझे उसी दिन अल्लाह के हुजूर जाना पड़ जाएगा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, खड़े पैर चल देना पड़ेगा। इदा जा आजलहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, चुनाचे जब इनके मुकर्ररा मियाद आ जाती है वो घड़ी भी इससे आगे पीछे नहीं हो सकते। एक आदमी ने एक खूबसूरत महल बनवाया, दोस्तों ने मशवरा दिया शानदार दावत का एहतमाम कीजिए, चुनाचे उसने ऐसा ही किया। शहर के लोगों को बुलाया, अपने महल में एक तख्त बनवाया और उस तख्त के ऊपर ताज पहन के बैठ गया। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई, उसने अपने खादिम को भेजा, जाओ जाकर देखो कौन आया है। खादिम ने दरवाजा खोला तो क्या देखा कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उसने पूछा कौन, तो बूढ़े ने जवाब दिया जाओ अपने मालिक को बता दो मलकुल मौत आए हैं। ये हैरान परेशान भागा, आके अपने मालिक को कहने लगा बाहर दरवाजे पे मलकुल मौत आए हैं। मालिक ने सुना, उसके पसीने छूट गए, खादिम से कहने लगा उसे कोई बहाना करके फारिग कर दो। अभी ये बात कर ही रहा था क्या देखा वो बूढ़ा करीब पहुंच चुका था। बूढ़े ने उसे घूरा, कहने लगा तू बहाना बनाता है, मुझे वापस भेजना चाहता है, मैं अपने वक्त पे आता हूँ और जब मैं आता हूँ रूह कब्ज किए बगैर वापस नहीं जाता, मैं इंसान के सीने में पंजा गाड़ता हूँ, इसकी रूह कब्ज कर लेता हूँ, जब रूह कब्ज करता हूँ बाकी लोग वहाँ रोना शुरू कर देते हैं, मैं मकान के एक कोने में खड़ा होकर कहता हूँ ए रोने वालो तुम इस मैयत पर रो रहे हो, मुझे तो फिर यहाँ आना है, तुम में से जितने लोग जिंदा हैं उतनी मर्तबा आकर रूहों को लेकर जाना है, अगर ये लोग रोने वाले मेरी आवाज सुन लें वो अपना रोना छोड़ दें, उन्हें अपनी फिक्र लग जाए। तो सच्ची बात यह है कि वाकई हमें इस दुनिया में रह के अपनी आखिरत की तैयारी करनी है। नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफा मलकुल मौत से फरमाया ए मलकुल मौत तो आने से पहले कोई पैगंबर या कासिद ही भेज दिया कर। अर्ज किया अल्लाह के महबूब कई पैगाम आते हैं मगर लोग समझते ही नहीं है। पूछा कौन से पैगाम भेजते हो, कहने लगे किसी आदमी का बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाना ये भी मौत का पैगाम है, जवानी की कुवत न रहना, बीमारियों का आ जाना ये सब मौत के पैगाम है, किसी की बेनाई का कमजोर हो जाना ये भी मौत का पैगाम है, किसी के दांत टूट जाना ये भी मौत के पैगाम है, ये सब पैगाम ही तो हैं। यहाँ तेरा वक्त गुजर रहा है, तेरी खेती पक रही है, जब खेती पक जाती है दरांती चाहती है उसको काट दिया जाए, और जब ये इंसान की खेती पक जाती है अल्लाह भी फिर इस खेती को काट लिया करते हैं। मौत एक अटल हकीकत है, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर मौत को हुकूमत के जरिए टाला जा सकता फिरौन कभी ना मरता, अगर मौत को वजारत के जरिए टाला जा सकता हमान को कभी मौत ना आती, अगर मौत को मालो दौलत के जोर पे टाला जा सकता कारून को कभी मौत ना आती, अगर मौत को कुव्वत बाजू के जरिए टाला जा सकता रुस्तम और सेहराब को कभी मौत ना आती, अगर मौत को दवाओं के जरिए टाला जा सकता अफलातून और जालीनूस को कभी मौत ना आती, अगर मौत को हिकमत और दानाई के जरिए टाला जा सकता
हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम को कभी मौत ना आती। अगर मौत को वफाओं के जरिए टाला जा सकता, कोई भी नेक बीवी अपने जवान खावंद को मरते ना देख सकती। अगर मौत को मोहब्बत के जरिए टाला जा सकता, माँ अपनी गोद में पढ़े मासूम बच्चे को कभी मरने ना देती। मगर हमने देखा है सब के सब इंसान इस दुनिया से चले जाते हैं, कोई भी इस दुनिया में वापिस नहीं रहता। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब बात फरमाई, फरमाते हैं ए दोस्त, तुझे क्या मालूम बाजार में वो कपड़ा पहुंच चुका हो जिससे तेरा कफन बनना है। हम तो मौत को भूल ही जाते हैं मगर मौत हमें नहीं भूलती। मालूम नहीं किस वक्त और कहां मौत आ जाए। हमारे अकाबिर का दस्तूर ये था, मौत आने से पहले मौत के लिए फिक्रमंद रहते थे और मौत आने पर इत्मीनान महसूस करते थे। एक बुजुर्ग ने अपने बेटे को एक दुकान बनाकर दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब चेक कर लिया करो इससे पहले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने तुम्हें हिसाब किताब देना पड़े। तो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने बेटे को दुकान बनाकर दी। कहा बेटा दुकान आपकी, इसको आपने संभालना है, लेकिन सिर्फ एक शर्त है, रोजाना आप जो कुछ खरीदेंगे या जो कुछ बेचेंगे, किसी को कुछ देंगे या कुछ लेंगे, शाम को मुझे हिसाब देना होगा। बेटा रोजाना दुकान पर जाया करता और शाम को आके अपने वालिद को पूरे दिन का हिसाब देता। एक दिन बेटा कहने लगा अब्बू जी अब ये अपनी दुकान आप खुद संभाल लो, मुझसे ये रोज का हिसाब नहीं होता। बूढ़ा बाप मुस्कुराया, कहने लगा बेटा दुकानदारी तो मकसूद ना थी, आपको समझाना मकसूद था। बूढ़े बाप के सामने एक दिन का हिसाब पेश करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, कल रब्बे जुल जलाल के सामने अपने 100 सालों का हिसाब पेश करना कितना मुश्किल होगा। फर्श मखमल पे ऐसोने वालों, कब्र में जाके सोना पड़ेगा, अपने आमाल का जायजा लो वरना महशर में रोना पड़ेगा। 4 यारों के कंधों पे चढ़कर घर से निकलेगी बारात तेरी, पहनकर एक जोड़ा कफन का बस जनाजे पे सोना पड़ेगा। फर्श मखमल पे ऐसोने वालों, कब्र में जाके सोना पड़ेगा, अपने आमाल का जायजा लो वरना महशर में रोना पड़ेगा। तेरी दुल्हन जो आई सुहागन, इसके हाथों से उतरेंगे कंगन, लाश बेजान पर तेरी इनको अपना दामन भिगोना पड़ेगा। फर्श मखमल पे ऐसोने वालों, कब्र में जाके सोना पड़ेगा, अपने आमाल का जायजा लो वरना महशर में रोना पड़ेगा। ये जो जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अदा की है, हमें चाहिए कि हम इसकी कदर करें। जिंदगी के हर दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझकर गुजारें। नहीं मालूम कब किसको जाना पड़े। कहीं नहीं ये लिखा हुआ कि इंसान 100 साल का होगा और उसके बाद उसको मौत आएगी। हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं, छोटा बच्चा भी फोत हो जाता है, नौजवान भी फोत हो जाता है, बूढ़ा भी फोत हो जाता है। जब मलकुल मौत आ जाते हैं कोई उसको रोक नहीं सकता, फिर इंसान को इस दुनिया से जाना पड़ता है। हमें चाहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें वक्त अता किया हम इसको गनीमत समझें, अपने तमाम गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करें। और ये जो मजालिस हो रही हैं जिसमें उलमाए कराम मशायख अजाम बातचीत करते हैं समझाते हैं, इसका मकसद ये है कि अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। गुनाह हो गए हर इंसान से होते हैं,
इंसान खता का पुतला है, लेकिन हमें चाहिए कि हम गुनाहों पे तोबा करें, नादिम और शर्मिंदा हों। गुनाह हो जाना इतनी बड़ी बात और बुरी बात नहीं जितना गुनाहों पे तोबा ना करना बुरी बात है। हमें चाहिए कि आज हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से सच्ची माफी मांगे, सच्चे दिल के साथ तोबा तायब हों। परवरदिगार आलम हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा, हमारी आने वाली जिंदगी को गुजरी हुई जिंदगी का कफारा बना और हमें अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने मुकर्रबीन बंदों में शामिल फरमाए और हमें इस दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम जैसा आप चाहते हैं वैसा बन के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज इस तौबा के कलिमात पढ़ाएगा, जो हजरात तौबा तायब होना चाहते हैं वो सच्चे दिल से इन कलिमात को पीछे पीछे पढ़ते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين। ये कलिमात पढ़ने से हम तौबा तायब हो चुके हैं। चंद मामूलात हैं जिनको बाकायदगी से करेंगे दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत आएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का नूर आएगा। सबसे पहला 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। दूसरी चीज 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम दुरूद शरीफ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। तीसरी चीज कुरान मजीद की तिलावत, एक पारा हो तो बहुत अच्छा वरना आधा पारा ही कर लें, लेकिन जरूर कुरान मजीद की तिलावत का मामूल बनाए, रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करें। चौथी चीज चलते फिरते लेटे बैठे हर वक्त दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का ध्यान। दस्त बकार दिल बयार, हाथ काम काज में मसरूफ, दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में मसरूफ, इसी को वकूफ कल्बी भी कहते हैं, अनाबत इल्लल्लाह रजू इल्लल्लाह। और पांचवी चीज मुराकबा है, सुबह या शाम में थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हटकट के अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में डूब जाए। बस ये सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, दिल की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है और मेरा दिल अल्लाह 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 मेरा दिल कह रहा है और मैं सुन रहा हूं। बस ये मामूलात इंशाल्लाह आप लोग करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत दिल में अपनी मोहब्बत अता फरमाएंगे। दुआ कर लेते हैं। सुभान रब्बी अल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين। परवरदिगार आलम हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा। ऐ मेरे मौला हमारी निगाहों को पाक फरमा, दिलों को साफ फरमा, सीनों को अपनी मोहब्बत से लबरेज फरमा। अल्लाह अपने इश्क की आतिश हमारे सीनों में पैदा फरमा, अंग अंग से अपने जिक्र को जारी फरमा, रुए रुए से अपने जिक्र को जारी फरमा,
हड्डी हड्डी बोटी बोटी में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा, है बेकसों के दस्तगीर, ए टूटे दिलों को तसल्ली देने वाले, ए खाली झोलियों को भर देने वाले। परवरदिगार आलम, तेरे चंद गुनाहगार बंदे तेरे दर पे आए बैठे हैं, मौला हाथ उठाए बैठे हैं, अल्लाह उठे हाथों को कबूल फरमा, फैली हुई झोलियों को कबूल फरमा। है मेरे मौला, कभी भी बेसहारा न फरमा, कभी भी बेआसरा न फरमा, कभी भी अपने दर से दूर न फरमा, दर दर के धक्के खाने से महफूज फरमा। है मेरे मौला, जिसे आपके दर से धक्के मिल जाते हैं, दुनिया में कोई दूसरा उसे मुंह लगाने वाला नहीं होता। है मेरे मौला, हमेशा अपने दर से अता फरमा। है मेरे मौला, हमने दुनिया के साहिल को देखा, एक घर से न मिले दूसरे पे चला जाता है, दूसरे से न मिले तीसरे पे चला जाता है। अल्लाह, उसका तो कोई मसला नहीं, मसला तो हमारा है, हमारे पास आपके दर के सिवा कोई दूसरा दर नहीं। अंबिया भी इसी दर पे झुके, औलिया भी इसी दर पे झुके, हमें भी इसी दर से मिलना है। ऐ मेरे मौला, हमेशा अपने दर से अता फरमा। परवरदिगार आलम, अपने मुकर्रबीन लोगों में शामिल फरमा, अल्लाह अपने मुहिब्बीन लोगों में शामिल फरमा, अल्लाह नेकोकार लोगों में शामिल फरमा, सब जिंदादार लोगों में शामिल फरमा, इबादत गुजार लोगों में शामिल फरमा। है मेरे मौला, हमें नहीं मालूम कब हमारी जिंदगी का आखिरी वक्त आ जाए। है मेरे मौला, आपसे एक इल्तिजा है, अल्लाह पहले हमसे राजी हो जाना फिर हमें मौत अता करना। है मेरे मौला, पहले हमसे राजी हो जाना फिर हमें मौत अता करना। अल्लाह, जिस बंदे से आप राजी ना हुए और वो इस दुनिया से चला गया, अल्लाह उसने अपनी आकबत बर्बाद कर दी। है मेरे मौला, पहले हमसे राजी हो जाना फिर हमें मौत अता करना। परवरदिगार आलम, एक और भी इल्तिजा है, कल क्यामत के दिन है मेरे मौला, बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा। अल्लाह, हमारा हाल उस चरवाहे की मानिंद है जिसने कहा, अल्लाहुम्मा फिर فَإِنَّكَ لَا تَغْفِرْ فَغْفِرْ। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर दीजिए, अल्लाह मग़फ़िरत कर दीजिए। ऐ मेरे मौला, अगर हमने आपको इतना नाराज कर लिया कि आप हमारी मग़फ़िरत नहीं करना चाहते, ऐ मेरे मौला फिर भी हमारी मग़फ़िरत कर दीजिए। अल्लाह, जाए तो कहाँ जाए, मांगे तो किससे मांगे। परवरदिगार आलम, एक आपका दर है, अल्लाह आपके ही दर पे पड़े हुए हैं, अल्लाह आपके दर के साहिल और गदागर हैं। है मेरे मौला, हमारे उठे हाथों को कबूल फरमा, फैली हुई झोलियों को कबूल फरमा। है मेरे मौला, आपने कुरान मजीद में फरमाया, फलातनहर, सवाली को इनकार न करो झिड़की न दो। है मेरे मौला, हम भी तो आपके दर के सवाली हैं, अल्लाह इनकार न कीजिए, अल्लाह झिड़की न दीजिए, अल्लाह दूर न कर दीजिए। मेरे मौला, हमेशा अपनी रहमत की ठंडी छांव अता फरमा दीजिए। है मेरे मौला, हमें अपने नेक लोगों में शामिल फरमा। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, अल्लाह आपकी रहमत की एक नजर हो जाएगी, हमारी बिगड़ी बन जाएगी। फिर अल्लाह रहमत की एक नजर अता फरमा, अल्लाह एक नजर अता फरमा। है मेरे मौला, ये दुआ मांगते हुए डर भी लग रहा है ये जवाब ना आ जाए। रहमत की नजर में बिलाल पे डालता था, रहमत की नजर में सुमैया पे डालता था। अपने नाम है अमाल को देखो, अपने अमलों को देखो, अल्लाह हम इकरारी मुजरिम है, मौला मानते हैं गुनाहगार है, खताकार है। है मेरे मौला, आपके दर के गुलाम आए बैठे हैं, अल्लाह हमारी तमाम खताओं को माफ फरमा, अल्लाह गुनाहों से दरगुजर फरमा, अल्लाह सैयाद को हसनात में तब्दील फरमा। परवरदिगार आलम, उम्र गुजरती जा रही है, अल्लाह नमाज की हुजूरी कब नसीब होगी, सजदे का सुरूर कब नसीब होगा, कुरान मजीद पढ़ने का लुत्फ कब नसीब होगा। है मेरे मौला, रात के आखिरी पहर की मुनाजात की लज्जतें कब नसीब होंगी। परवरदिगार आलम, हमें भी ये तमाम लज्जतें अता फरमा। है मेरे मौला, नबी अलैहिस्सलाम ने जो खैरें मांगी हमें तमाम खैरें अता फरमा, जिन शुरूर से पनाह मांगी हमें भी पनाह अता फरमा। ऐ मेरे मौला,
हमारे ऐसे जी दामद बरकत माले की जिंदगी में बरकत अता फरमा, सेहत में बरकत अता फरमा, अल्लाह इज्जतों में बरकत अता फरमा। ऐ मेरे मौला उनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम दायम फरमा। परवरदिगार आलम हमें उनकी कदरदानी की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम कदम कदम अपनी बरकत शामिल हाल फरमा। मौला जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। अल्लाह मदारिस अरबिया की हिफाजत फरमा, दावत व तबलीग के काम की हिफाजत फरमा, जहाँ अल्लाह अल्लाह होती है उन खानकाहों की हिफाजत फरमा, इकामत दीन की कोशिशों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम जितने हाजरीन मजलिस हैं उनकी दिलों की जो नेक मुरादें हैं उनको पूरा फरमा, जो तमन्नाएं हैं उनको पूरा फरमा। अल्लाह दुनिया आखिरत के इम्तहानों में कामयाबी अता फरमा। परवरदिगार आलम जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिहि सैयदना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन برحمتك يا أرحم الراحمين। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته।